हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, रेलवे का अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। दोस्तों, 16 अक्टूबर से एग्ज़ाम जिन लोगों का 16 अक्टूबर के बाद है, 17 अक्टूबर से, तो उन लोगों का एडमिट कार्ड आया नहीं था। अभी तक आपकी एग्ज़ाम डेट और यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम सीटी और SC ST ट्रैवल ये सारे कुछ भी नहीं आया था। तो दोस्तों, उसके रिगार्डिंग एक नोटिस आया है, आपको कब से ये मिलने वाला है और कब तक आप डाउनलोड कर सकते हो, कब तक आप जान सकते हो इसके बारे में पूरा। SC ST ट्रैवल पास, एग्जाम सीटी डेट, एग्जाम डेट, ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। 16 अक्टूबर के बाद जिन लोगों का एग्जाम था, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, उसके साथ आप मुझे जरूर अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। ये इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग ऐप है दोस्तों। एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए और तपन घड़े उधर सर्च कीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। कोई भी इशू हो रहा है डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, सारे मैसेज का मैं रिप्लाई देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारा वीडियोज रखा हूँ मैंने, DRDO, ISRO, HL, BHEL और रेलवे ग्रुप डी, LP, कई सारा वीडियोस मैंने रखा हूँ, वहाँ पे वीडियोस देख के घर बैठ बैठ के तैयारी भी कर सकते हो दोस्तों। तो चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट में। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को देख सकते हो लॉगिन फॉर डाउनलोड, ई कॉल लेटर, एग्जाम सीटी, डेट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कोई भी वेबसाइट खोल लीजिए, आप लोग को मिल जाएगा CN02/2018 के अंडर। यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, ये इंटरफेस में आप लोग को एक यहाँ पे रनिंग टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, द एग्जाम सिटी एंड डेट इन्फॉर्मेशन इज लाइव फॉर द कैंडिडेट शेड्यूल्ड फॉर द 17 सितंबर 2018 टू 16 अक्टूबर 2018। बोला जा रहा है कि 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक जिन लोगों का एग्जाम है वो लाइव हो चुका है। फॉर द ऑल रिमेनिंग कैंडिडेट द डिटेल विल बी लाइव फ्रॉम 5 अक्टूबर 2018। दोस्तों, और जितने भी 16 अक्टूबर के बाद जिन लोगों का भी एग्जाम है, दोस्तों यहां पे लिखा जा रहा है कि 5 अक्टूबर के बाद उन लोगों को लाइव करा जाएगा। उन लोगों का यहां पे लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हो। यहां पे रनिंग टेस्ट दिया गया है,